नमस्कार मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन में और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश कुमार गुप्ता जी तो चलिए उनका वेलकम करते हैं और आगे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार डॉक्टर साहब जैसे लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ कनेक्ट होते ही रहते हैं ऐसे हमारे साथ एक पूनम है जो रोहतक से है एज इनकी फोर्टी है एंड ये पूछती हैं कि पाँच साल पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी सांस फूलता था चेस्ट में पेन होता था चेकअप कराया तो पता चला कि हार्ट के आर्टरीज में तीन ब्लॉकेजेस है डॉक्टर से बात की थी तो इनके डॉक्टर ने बताया कि एक 80 परसेंट दूसरे में 90 और तीसरे में 40 परसेंट है अभी उनको वो प्रॉब्लम दोबारा से शुरू हो गई है जिसमें इसको इनको फिर से चेस्ट पेन उठता है तो अब इन्हें आगे क्या करना चाहिए

ब्लॉकेज जो हुआ उनको ब्लॉकेज तो उनके अपने थॉट प्रोसेस से हुआ जो पिछले पच्चीस साल से हम रिसर्च कर रहे हैं सी एडी प्रोग्राम में या कैट प्रोग्राम जिसे कैट प्रोजेक्ट भी कहते हैं सी एडी रिसर्च प्रोजेक्ट जो डी आर डी ओ से मिलकर हमने कलाब्रेशन में बनाया प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पॉन्सर्ड था एम्स और जी बी पंत हॉस्पिटल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और यू एन okay. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी hmm. बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद और ग्रांट मेडिकल कॉलेज जे जे ग्रुप हॉस्पिटल्स बम्बई हमने okay. इनके कलबोरेशन में एक रिसर्च की थी हुँ. और लगभग हमें पच्चीस साल हो गए काम करते हुए और उसमें ये मल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट था उसमें हमने पाया कि हर ब्लॉक के पीछे जैसे उन्होंने बताया कि मेरे एक एटी परसेंट ब्लॉक है मेन आर्टरी में ब्लॉक एक दूसरे में नाइन्टी परसेंट पीछे वाली आर्टरी में नाइन्टी परसेंट था हुँ. और राइट वाली में फोर्टी परसेंट था तो हर ब्लॉकेज के पीछे जैसे मैं जियोग्राफी देखता हूँ तो मुझे अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हर ब्लॉक के पीछे क्या थाट पैटर्न है मतलब इस एंजियोग्राफी देख के पता लग जाता है कि आदमी की सोच कैसी है ओके okay. कैसा उसका स्वभाव है जो वो जो वो परसेंटेज बताते हैं परसेंटेज नहीं कहां तो, पर ब्लॉकेज है उसको वो कहां पे ब्लॉकेज ब्लॉकेज क्योंकि जहां-जहां है ना वो अलग अलग थॉट पैटर्न से कारण होता है अच्छा क्योंकि हम, हमने हर पेशेंट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया ओके डे 1 पे बेसलाइन फिर 7वें दिन 3 महीने पे 6 महीने पे फिर 1 साल पे ऐसे हम उनका करते गए फॉलो अप करते गए फिर रिपीट एंजियोग्राफी मान लीजिए हमने 1 साल पे की या 6 महीने पे की तो कौन सा ब्लॉक खुला कौन सा नहीं खुला okay. या कौन सा ब्लॉक बढ़ गया तो साइकोलॉजिकल एनालिसिस okay. में आपको पता लग जाता है इनका जल्दी चिंता गुस्सा उदासी सिनिसिज्म दूसरे में अवगुण देखना बदलने की भावना इनका जीवन शैली अभी क्या है पहले क्या थी एडिक्शन्स hmm. क्या थे पहले स्मोकिंग शराब वगैरह कैसे पीते थे कितनी और अभी कैसे पी रहे हैं कितनी पी रहे हैं अच्छा. है ना डाइट में क्या मॉडिफिकेशन किया है कि नहीं किया है वो सारा हमको साइकोलॉजिकल एनालिसिस से पता लग जाता है जो हम मनो जो हम लोग विश्लेषण करते हैं मन का उसके द्वारा हमें पता लग जाता है ओके okay. क्योंकि वो हमें और डिटेल में हम फिर फॉलो करते हैं उनको फिर मेडिटेशन के दौरान उनका जो राजयोग का मेडिटेशन के दौरान उनका हम थाट पैटर्नस को बदल देते हैं किसी के अंदर बहुत एनजाइटी रहती है तो एनजाइटी के बजाय उसके अंदर हैप्पीनेस आ जाती है वो इनसिक्योरिटी फील करना बंद कर देता है जिसके अंदर बहुत गुस्सा आता है उसके अंदर प्यार जब वो सबको एक्सेप्ट करने लगता है तो गुस्सा खत्म हो जाता है राइट तो जो भी सिनिसिज्म की की आदत है बदल दूसरे में आप गुण देखने की आदत है उसके कारण भी कुछ ब्लॉक होते हैं और जब उसको जब मेडिटेशन करना शुरू करता है तो दूसरों के गुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं पहले उसकी बगले जैसी दृष्टि थी बगला बगला समझते हैं हाँ जी। स्टॉर्क होता है हाँ, ना उसको कीड़े खाने की आदत होती है उसके सामने अगर मोती भी पड़े हो पे चार में मोती पड़े हो तो उसको मोती नजर ही नहीं आते नहीं आता कीड़े दिखाई देते हैं सिर्फ है ना मोती रखे हैं तो भी नजर नहीं आते कीड़े दिखाई देते हैं एक हंस होता है हंस के सामने अगर पिचानवे कीड़े भी पड़े तो बीच बीच में कहीं पांच मोती पड़े तो उसको पांच सिर्फ मोती नजर आते हैं कीड़े दिखाई दे दे नहीं देते देंगे। तो ऐसे आज कल इंसान भी है जब हम बॉडी कॉन्शियस रोल कॉन्शियस हो जाते हैं तो कमियाँ तो हमें एक दूसरे की कमियाँ दिखाई देती हैं संबंधों में पति को पत्नी में पत्नी को पति में माँ बाप को बच्चों में बच्चों को बच्चों को माँ बाप में और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज में और एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर में कमियाँ दिखाई देती है ना हम एक दूसरे को दोषी बनाते रहते हैं दोष दृष्टि से देखते हैं और जब हम मेडिटेशन के द्वारा हमारी होली हंस बन जाते हैं होली हंस का मतलब है हम स्टॉर्क से स्वान बन जाते उसमें हैं उसमें क्वालिटीज देखना तो हमें गुण देखने की आदत पड़ जाती है ना तो हमें हर एक के अंदर गुण दिखाई देते हैं तो हमारा घर का वायुमंडल कितना अच्छा हो जाता है ऑफिस वर्किंग जहाँ हम काम करते हैं वहाँ भी वातावरण कितना सुंदर हो जाता है तो हमारी दृष्टि बदल जाती है तो हमारा वो ब्लॉक रिग्रेस होने लगता है जो ब्लॉक उसी कारण से था ओके। कुछ ब्लॉकेज हॉस्टिलिटी की वजह से होता है उसको, उस गलत, उसको माफी नहीं करते फर्गीव भी नहीं करते hmm. जन्म उसको भूलते भु, ही नहीं है न? तो अब जो है जब हम मेडिटेशन करते हैं राजू का मेडिटेशन तो हमारे अंदर रहम जो गलत करता कर रहा होता है ना हमारे लिए गलत हमको उस पर रहम आना शुरू हो जाता है तो जब हम उस पर रहम आना शुरू हो जाता है तो हमारा ब्लॉक पिघलने पिंग, लग जाता है ओके okay. वो, वो रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाता है ब्लॉकेज निकलना शुरू हो जाता है तो जब एनजियो करते हैं टम्प्रेरी मेजर है हमने एक स्टैंड ला दिया पर हमारा नेचर तो बदली नहीं सिनिसिज्म तो निकला नहीं हॉस्टिलिटी तो निकली नहीं क्रोध करने की आदत तो निकली नहीं जल्दीबाजी करने की आदत तो हमने खत्म नहीं की आज भी कर रहे हैं कल भी कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे तो मेडिटेशन के द्वारा आप अपने स्वभाव को परिवर्तन किया राइट right? hmm. नेचर को बदल देते हैं तो हमारा वो जो जो कोलेस्ट्रॉल अंदर बार बार डिपॉजिट हो जाता था हमारे खाने से जो हम खाना खा रहे थे सोच रहे थे हमारा लिवर बैड कोलेस्ट्रॉल बना रहा था अभी हमने अपना क्या किया सोच को बदला उससे हमारा एंडोथिल फंक्शन नॉर्मल हो गया और उससे हमारा जो है हमने जो लीवर जो हमारा बना रहा था बैड कोलेस्ट्रॉल और उस खुशी से हमने हमारा लीवर ज़्यादा मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल बना रहा है एच बना रहा है पहले एल ज़्यादा बना रहा था ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनाता था अभी हम एच डीएल बहुत थोड़ा बन रहा था अभी हमने क्या किया हम सुख सुख मेडिटेशन के द्वारा आनंद की अनुभूति करते हैं तो हमारा लीवर में गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है okay. पहले क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता खून जमाने वाले पदार्थ बनाता था अभी क्लॉट बस्टर्स बनाना शुरू किया क्योंकि हमने वो थॉट्स ऐसे इमेजिनेशन हाँ। शुरू कर दिया इमेजिनेशन नहीं ने हाँ। रियल को उस, उस अच्छे विचार को जीना शुरू कर दिया okay. नॉट इमेजिनिंग हम खाना खाते खातेजिन ना करते हैं, हाँ, खाते हैं ना, रियल में हाँ, खाते हैं ना? मतलब की मतलब नहीं, नहीं, अच्छी चीजों को महसूस करना ये नहीं हूँ ये तो मेरा रोल है सुप्रीम बींग है और सातो एनर्जी का पावर हाउस है और मैं उसकी संतान हूँ जब उससे हम एक एक संबंध का अनुभव करने लगते हैं तो हमारी पावर हाउस से बैटरी कनेक्ट हो गई मेरा मोबाइल है उसकी मैंने बैटरी पावर से कनेक्ट पावर बैंक साथ में लगा दिया मेरा मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होगा चार्ज होगा चार्ज होता रहेगा और साथन में आई कैन यूज़ माई मोबाइल मैं ट्वेंटी फोर आवर्स में मैं दस घंटे उसको यूज कर सकता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी अभी मैं दो घंटा भी यूज़ नहीं कर सकता दो घंटे में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना तो क्योंकि पावर बैंक साथ है तो डिस्चार्ज ही नहीं होगा तो लगातार मैं पावर बैंक से कंबाइंड हूँ उस सुप्रीम पावर जिसको सबको भगवान कहते हैं गॉड कहते हैं ऑल मल्टी अथॉरिटी कहते हैं खुदा कहते हैं अल्लाह कहते हैं खाली उससे हम कैसे जुड़ सकते हैं क्योंकि हम कंबाइंड बिना संबंध के किसी से हम जुड़ नहीं सकते है ना ओके okay. तो जब हम उससे संबंध उस संबंध को महसूस करते हैं समय क्योंकि इंसान कोई भी बिना संबंध के रह सकता है क्या दुनिया में नहीं कोई भी इंसान नहीं रह सकता hmm. मतलब को हम चो ना कोई संबंध हमको चाहिए एक सेकंड भी आत्मा बिना संबंध के रह नहीं सकती है, hmm. रह है? नहीं. क्योंकि हमारा हार्ट भी देखो तो अब हार्ट है हमारा

हाँ, माँ भी चाहिए बाप भी चाहिए टीचर भी चाहिए है ना गुरु भी चाहिए बड़ा भाई है बड़ा कोई हमें, हमारा भी चाहिए, हमें दोस्त भी चाहिए बिना दोस्त के भी हम रहते नहीं है कोई हमारा दोस्त ना तो कैसा इंसान कैसा जीवन होगा बताओ सोचो जरा नीरस नीरस हो जाएगा ना हमें साजन भी चाहिए कोई ना कोई प्रेम करने वाला जो हमसे सिर्फ प्रेम प्रेम करता हो या प्रेम करती हो ऐसा भी कोई चाहिए है होना चाहिए नहीं होना चाहिए कोई हमें डॉक्टर भी चाहिए आज का इंसान बिना डॉक्टर के रह सकता है नहीं कोई ना कोई डॉक्टर तो चाहिए ना बिल्कुल जिससे मैं अपने बीमारी को शेयर कर सकूं और बच्चे भी चाहिए ना है ना है तो छोटा छोटा छो, हर एक को छोटा बच्चा अच्छा लगता है तो ये जैसे मुख्य नो संबंध की बात है ना तो अगर परमात्मा से हम महसूस करना शुरू कर दें अच्छा वही संबंध हाँ तो हर संबंध तो क्या हो होगा तो हम हमेशा उससे कनेक्ट रहेंगे नहीं देंगे क्योंकि दुनिया में जो भी संबंध है देधारियों के संबंध है वो हमेशा तो हमारे साथ नहीं रह सकते हैं

क्या सदा रह सकते हैं नहीं, नहीं रहेंगे क्योंकि तो वो एक, एक सुप्रीम है ना आपको हर साल संबंध की अनुभूति दे सकते हैं